नमस्कार दोस्तों, एडी ज्ञानी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्लास्टिक वस्तु पर दिखाए गए चिन्ह के बारे में जानेंगे। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह बताता है कि हमारे उत्पाद सामग्रियों से बने हैं, जो विशेष रूप से भोजन के संग्रह के लिए बनाया गया है, इसलिए आपके लिए उन्हें भोजन के लिए उपयोग करना सुरक्षित है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह इस बात की पुष्टि करता है कि भोजन के साथ उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हमारे सभी उत्पाद BPA या बिस्फेनॉल ए मुक्त हैं। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह पुष्टि करता है कि उत्पाद को माइक्रोवेव में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप इसे माइक्रोवेव ओवन में सुरक्षित रूप से गर्म या डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? यह चिन्ह न्यूनतम और अधिकतम तापमान को प्रदर्शित करता है जिसे उत्पाद सामना कर सकता है, सबसे ठंडे से रेखा के नीचे फ्रीजर में से सबसे गर्म तक इसके ऊपर माइक्रोवेव में दिखाया गया है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? इस चिन्ह को प्रदर्शित करने वाले उत्पाद का उपयोग फ्रिज या फ्रीजर में भोजन को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। जब आप फ्रिज या फ्रीजर से कंटेनर को बाहर निकालते हैं, तो इसे कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें या इसे माइक्रोवेव में रखने से पहले गर्म पानी के नीचे चलाएं। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? इस चिन्ह को प्रदर्शित करने वाले उत्पादों को डिशवॉशर में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? लीपिंग बनी लोगो उपभोक्ताओं को गारंटी देने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चिन्ह है। यह प्रदर्शित करने वाले किसी भी उत्पाद के विकास में कोई नया पशु परीक्षण नहीं किया गया था। इस चिन्ह को दुनिया भर के सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू उत्पादों की पैकेजिंग, विज्ञापन और वेबसाइटों पर देखा जा सकता है। ये चिन्ह क्या दर्शाता है? पीरियड आफ्टर ओपनिंग PAO चिन्ह आमतौर पर तरल सौंदर्य प्रसाधनों के पैकेज पर पाया जाता है। यह दर्शाता है कि उत्पाद खोलने के बाद कितने समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित है। इसमें M का मतलब महीना होता है। अगर 12M लिखा है तो मतलब कि यह प्रोडक्ट 12 महीने में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए AD ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।